आप लोग बहुत लोग कहते रहते कि हमारा पढ़ाई मन नहीं लगता, पढ़ाई में आप लोग मन लगाइएगा तभी आप लोगों को सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई मन नहीं लगाओगे तो आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला भी नहीं। आप लोग कहते हो कि हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, किससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? आप सोच लीजिएगा, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके सामने कोई लड़का या लड़की या भाई या बहन लाइब्रेरी में घर पर रह करके 4 से 5 घंटे, और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा वो 10 से 12 घंटे का पूरा समय दे रहे हैं, दिन रात जुटे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस बार भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाए तो पता नहीं भर्ती कब देखने को मिलेगा। तो आप ही लोग जुट रहे, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे कि हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात आप कभी मत पूछिएगा किसी भी से, 2 घंटे से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो चाहे आप 10 घंटे पढ़ो। अगर आप मन से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये काम चलो वाला मत करो कि हमने 2 घंटे पढ़ लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपका ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप देखिएगा, आपके माता पिता, उनका भी मन नहीं होता काम करने का, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। उन्हें पता है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं उनका पेट कैसे पलेगा। लेकिन आप लोग भी सोचिएगा, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे घर की पारिवारिक स्थिति कैसे सुधरेगी? हमारे माता पिता का जो सपना है कि हमारे बच्चे सफल हों और आगे चलने के बाद जो उनका वृद्धावस्था होगी तो उन्हें जो आराम मिलेगा, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, और आप लोग अभी भी, आपको एग्जाम डेट भी पता चल चुका है कि आपका जो एग्जाम है वो 18 फरवरी को, फिर भी आप लोगों को नहीं पढ़ रहा है, तो आप सुन लीजिएगा, मुश्किल है आपका सिलेक्शन हो पाना, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे आप ऑफलाइन लगाइए चाहे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाना है जरूरी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब आप लगाओगे तभी आपको अपनी तैयारी पता चल पाती है। जैसे सीधी सीधी बात करें कि आपको अपनी औकात पता चल पाती है कि आपकी तैयारी कितनी हुई, आप मॉक टेस्ट में कितने नंबर ला पा रहे हैं, और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आपको खुद पता चल जाता है। और मॉक टेस्ट लगाने के दौरान आप अपनी कमियों को चेक कीजिए कि आपकी कमियाँ क्या हैं, आप कौन सी गलती कर रहे हो, उससे आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना है आपको, हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि ये जो बाकी के 40 दिन का समय रह गया ये आपकी ज़िंदगी बनाने वाला समय, इसी के दौरान आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, इसी के दौरान अपनी ज़िंदगी आप बिगाड़ सकते हो, ठीक है। बहुत से लोग हैं अभी भी नहीं सुधरेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, जब उनको पता चल जाए कि हाँ 1 फरवरी आ चुकी है और हमारा जो एग्ज़ाम की डेट है वो 17 दिन बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, तब वो पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर वहाँ पर कमेंट करेंगे किसी वीडियो के नीचे कि हमें ऐसे स्ट्रेटेजी बता दो कि जिससे हमारा 17 दिन में एग्जाम हो। 17 दिन में किसी का भी एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं आपको बता दूँ। जिसने अब बहुत पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा तो वो लोग जरूर, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, लाइब्रेरी में घरों पर बहुत से अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सिलेक्शन लेने की चाहत है। लेकिन आप लोग ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलेंगे भैया मैं 4 घंटे पढ़ाऊँ तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो 4 घंटे पढ़ो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना वो मन से है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पढ़ोगे मन से तो आपको याद होगा। और बहुत से लोग ये भी कमेंट करते कि हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन हमें याद ही नहीं होता, लेकिन आप मन से ही नहीं पढ़ते होगे तो याद कहाँ से होगा? जब आप कोई भी चीज़ मन से पढ़ो तभी आपको याद होती है, बाकी की जो आपको दूसरी बातें होंगी तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, क्योंकि वो आप लोग मन से उन चीज़ों को ध्यान करते हो। जब आप अपनी पढ़ाई में कोई भी टॉपिक मन से पढ़ोगे तो अभी आपको याद होगा, अन्यथा आप ऐसे ही अपना समय व्यतीत करते रहोगे और ये एग्जाम निकल जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा एग्जाम देगे वो भी आपका निकल जाएगा, लेकिन आप जो सिलेक्शन की चाहते वो आपके सिलेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ यही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी, GK GS, मैथ, रीजनिंग सभी के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आने वाली पीपीपीएल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लेकर के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो यूपीपीएल भर्ती प्रक्रिया 2024 से जुड़ी हुई। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।